अभिजीत सर, वेलेंट, WELENT, WEL वेल्समैन एंटरप्राइजेस। ओके वेल्स सर, वेल्सपन एंटरप्राइजेस की मैं बात करूं तो स्टॉक में एक अच्छा खासा हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट फॉर्मेशन हुआ था और उसका ब्रेकआउट ही उसने कल के दिन दिया था। जो ब्रेकआउट का लेवल बन रहा था वो था 91 रुपए 50 पैसे का। स्टॉक करीब करीब 96 रुपीज के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसमें हम बाइंग करके एक बड़े टारगेट के लिए पोजिशन को होल्ड रख सकते हैं, लेकिन हमें बाय करना है 91 रुपीज से 92 रुपीज तक के लेवल के लिए। थोड़ा सा मतलब 2 से 3 रुपए नीचे आने का हमें वेट करना है। ऊपर में हम पहला टारगेट रखेंगे 100 रुपीज का और दूसरा टारगेट रखेंगे 105 का। ठीक है, अगर मेरे पास थोड़ी नीचे लेवल की खरीदारी है तो मैं प्रॉफिट बुकिंग करूं या अभी बना रहा हूं आराम से और धीरे धीरे खिसकाता रहूं स्टॉप लॉस? आराम से बने रह सकते हैं क्योंकि 105 रुपए का तो टारगेट चार्ट पर आराम से दिखाई दे रहा है। और अगर किसी को बाय करना है तो 90 से 92 के लेवल का थोड़ा सा वेट करें क्योंकि एक या 2 दिन का एक माइनर सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिखाई दे सकता है। और वहां पे एक बाय करके हम थोड़ा सा नीचे में 88 का स्टॉप लॉस लगा के 100 105 के लेवल पे इसको फिर से होल्ड कर सकते हैं। तो भी होल्ड रखे और बाय करना है तो 90 से 92 के लेवल पे बाय करें। अगर बाय करना है नया तो थोड़ा सा नीचे आने दें और अगर है तो आराम से बैठे रहें और धीरे धीरे उसको स्टॉप लॉस को चाहे आगे चल करके हम बता देंगे कैसे ऊपर खिसकाना है, लेकिन फिलहाल ये राय है। अच्छा, तेजी अभी और आगे मिल सकती है वेल्समैन एंटरप्राइजेस में।